आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफ लेटर से शुरू होने वाले 100 वर्ब फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात और बता दें कि ए से ई तक के जितने लेटर हैं उन सभी लेटर्स का वीडियो बन चुका है, यानी उनसे भी 100 वर्ब फॉर्म्स बन चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का हिंदी होता है निर्माण करना या गढ़ना। V2 होता है फैब्रिकेटेड, V3 होता है फैब्रिकेटेड और V4 फैब्रिकेटिंग और V5 फैब्रिकेट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है फेस। फेस का हिंदी होता है सामना करना या विरोध करना। V2 होता है इसका फेस्ड और V3 भी होता है फेस्ड और V4 होता है फेसिंग और V5 होता है फेसेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का हिंदी होता है आसान कर देना। V2 फैसिलिटेटेड और V3 फैसिलिटेटेड और V4 फैसिलिटेटिंग और V5 फैसिलिटेट्स। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फेड। फेड का होता है फीका हो जाना या मुरझा जाना। V2 फेडेड, V3 फेडेड, V4 फेडिंग और V5 होता है फेड्स होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया वो है फैग। फैग का थकाना या परिश्रम करना होता है। फैग्ड, V3 फैग्ड और V4 होता है फैगिंग और V5 होता है फैग्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो फेल। फेल का होता है असफल होना या विफल होना। V2 होता है फेल्ड, V3 फेल्ड होता है, V4 फेलिंग होता है और V5 फेल्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो देखते हैं आगे। फेंट। फेंट का हिंदी होता है शिथिल हो जाना। V2 होता है फेंटेड, V3 फेंटेड, V4 फेंटिंग और V5 फेंट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है आपके फॉल। फॉल का होता है गिरना या पतन होना। V2 दिया गया है फेल, V3 फॉलन और V4 फॉलिंग और V5 फॉल्स होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दिया गया है फैसिलिफाइज। फैसिलिफाइज होता है गोलमाल करना। फैल्सिफाइड, फैल्सिफाइड और फैल्सिफाइंग और फैल्सिफाइज होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड दिया गया वो है फैल्टर। फैल्टर का होता है अटकना या हकलाना या हटना। फैल्टर्ड, V3 फैल्टर्ड, V4 फैल्टरिंग और V5 फैल्टर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फैमिश। फैमिश का होता है भूख मरना या फाके पड़ना। फैमिस्ड, फैमिस्ड, फैमिनेशिंग और फैमिशियस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, दिया गया है नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फैन। पंखा झलना या हवा देना। फैंड, V3 फैंड होता है और V4 फैनिंग होता है और V5 फैंस होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फैंसी। चाहना या कल्पना करना। फैंसीड, फैंसीड, V4 फैंसिंग और V5 फैंसीज होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है आपके स्क्रीन पे फेयर। सफल या विफल होना, दोनों इसका मतलब होता है। फेयर्ड, V3 भी फेयर्ड होता है और V4 फेयरिंग और V5 फेयर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फार्म। फार्म का होता है खेती करना। V2 फार्म्ड, V3 फार्म्ड और V4 फार्मिंग और V5 फार्म्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं वो जो दिया गया है वो फॉरो यानी जन्म देना या सुअर पालना। V2 होता है फॉरोड और V3 भी सेम होता है फॉरोड और V4 फॉरिंग और V5 फॉरोज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो होता है फैसिनेट। मोह लेना या मोहित करना। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड और V4 फैसिनेटिंग और V5 फैसिनेट्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है आपके फैशन। फैशन का बनाना या निर्माण करना भी होता है। फैशन, V3 फैशन और V4 फैशनिंग और V5 फैशंस। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फास्ट यानी उपवास करना यानी फास्टिंग जो लगते हैं फास्टेड और फास्टिंग और फास्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपकी स्क्रीन पे है फास्टेन। बांधना या जकड़ना या बंद करना। फास्टेंड, फास्टेंड, फास्टेनिंग और V5 जो है वो फास्टेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फैटन। उपजाऊ करना। फैटेंड,
V3 भी होता है फैटेंट, और V4 होता है इसका फैटनिंग, और V5 फैटेंट्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपकी स्क्रीन पे है, फेवर, यानी पक्ष लेना या अनुमोदन करना, फेवर्ड। V3 फेवर्ड होता है इसका, और V4 फेवरिंग होता है, और V5 फेवर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वो है फाउन, यानी चापलूसी करना। V2 दिया गया है फाउन, और V3 फाउंड, और V4 फाउनिंग, और V5 फाउंस होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया वो आपके स्क्रीन के सामने है, फियर, यानी डरना या भयभीत होना। V2 फियर्ड, V3 फियर्ड होता है, और V4 फियरिंग, और V5 फियर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपकी स्क्रीन पे है, फिस्ट, यानी दावत उड़ाना या दावत देना। फिस्टेड, और V4 होता है फिस्टिंग, और V5 होता है फिस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया वो आपकी स्क्रीन के सामने है, फील, यानी महसूस करना। V2 होता है इसका फेल्ट, V3 फेल्ट होता है, और V4 फीलिंग होता है, और V5 फील्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का होता है बधाई देना। V2 होता है फेलिसिटेटेड, और V4 होता है फेलिसिटेटिंग, और V5 फेलिसिटेट्स। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो आपके सामने है, देख सकते हैं, फेंस, यानी बाड़ा लगाना या घेरा बांधना। फेंस्ड, V3 फेंस्ड होता है, V4 फेंसिंग होता है, और V5 फेंसेज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फेंड का होता है रोकना या दूर रखना। V2 होता है फेंडेड, V3 फेंडेड, और V4 फेंडिंग होता है, V5 होता है इसका फेंड्स। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फर्मेंट, उत्तेजित करना। V2 होता है फर्मेंटेड, और V3 फर्मेंटेड होता है, और V4 फर्मेंटिंग होता है, और V5 फर्मेंट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फेरी, यानी पार उतारना। V2 होता है फेरिड, और V3 फेरिड होता है, V4 फेरिंग होता है, और V5 फेरीज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया होता है फर्टिलाइज, उर्वरक बनाना या उपजाऊ बनाना। फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजिंग होता है V4, और V5 होता है फर्टिलाइजेज। नेक्स्ट वर्ड है वो फेच का होता है लाना या लेकर आना। फेच्ड होता है V2, V3 फेच्ड होता है, V4 फेचिंग होता है, और V5 फेचेज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो फीड गेट होता है, चंचलता दिखाना, यानी फीड गेटेड, और फीड गेटेड, और फीड गेटिंग, और फीड गेट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके स्क्रीन के सामने है फाइट, लड़ाई करना या लड़ना। फाउट होता है V2, और V3 भी फाउट होता है, और V4 फाइटिंग होता है, और V5 फाइट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फिगर, यानी कल्पना करना या हिसाब लगाना। फिगर्ड, V3 फिगर्ड होता है, V4 फिगरिंग होता है, और V5 फिगर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फिल्च का होता है चोरी करना। V2 होता है फिल्च्ड, और V3 फिल्च्ड होता है, और V4 होता है फिल्चिंग, और V5 होता है फिल्चेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फाइल, दाखिल करना होता है, फाइल्ड होता है। V3 भी फाइल्ड होता है, V4 फाइलिंग होता है, और V5 फाइल्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फिल, यानी भरना या भर देना। V2 होता है फील्ड, और V3 भी फील्ड होता है, और V4 फीलिंग होता है, और V5 फील्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फिल्म, यानी झिल्ली से ढकना। फिल्म्ड होता है V2, V3 भी सेम होता है फिल्म्ड होता है, V4 फिल्मिंग होता है, और V5 फिल्म्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फिल्टर, यानी छानना या साफ करना। V2 दिया गया है फिल्टर, V3 भी सेम होता है फिल्टर्ड होता है, V4 फिल्टरिंग होता है, और V5 फिल्टर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फिल्टरेट, यानी छानना। V2 फिल्टरेटेड, V3 फिल्टरेटेड, और V4 फिल्टरेटिंग, और V5 फिल्टरेट्स। नेक्स्ट वर्ड जो दिया आपके सामने है फाइनलाइज, यानी पूर्ण करना या पूरा करना। फाइनलाइज्ड,
फाइनलाइज्ड और V4 फाइनलाइजिंग और V5 फाइनलाइजेज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फाइनेंस। फाइनेंस का होता है पूंजी लगाना, फाइनेंस्ड होता है V2, फाइनेंस्ड होता है V3 और V4 फाइनेंसिंग होता है और V5 फाइनेंसेस होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फाइंड, पाना या पता लगाना, फाउंड होता है इसका और V3 भी फाउंड होता है और V4 होता है फाइंडिंग होता है और V5 फाइंड्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फिनिश। फिनिश का होता है समाप्त करना या पूर्ण करना या पूरा करना। V2 होता है फिनिश्ड, V3 फिनिश्ड होता है, V4 फिनिशिंग होता है और V5 फिनिशेस होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फायर, यानी जलाना या आग लगा देना। फायर्ड होता है V2, V3 भी फायर्ड होता है, V4 फायरिंग होता है और V5 फायर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फिश। फिश का होता है मछली मारना या मछली पकड़ना होता है। V2 फिश्ड होता है, V3 भी फिश्ड होता है और V4 भी फिशिंग होता है और V5 फिशेस होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फिट, यानी अनुकूल होना या ठीक होना या ठीक बैठना। फिटेड, V3 भी फिटेड होता है, V4 भी फिटिंग होता है और V5 फिट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फिक्स। फिक्स का होता है तय करना या लगाना। V2 होता है फिक्स्ड, V3 भी होता है फिक्स्ड और V4 होता है फिक्सिंग और V5 होता है फिक्सेस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो होता है फिजल। फिजल का होता है सनसनाना या असफल होना, फिजल्ड। V3 भी फिजल्ड होता है, V4 फिजलिंग होता है और V5 फिजल्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फ्लैग, यानी ढीला पड़ना या झंडा लगाना भी होता है। फ्लैग्ड होता है, V3 भी फ्लैग्ड होता है, V4 फ्लैगिंग होता है और V5 फ्लैग्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आप देख सकते हैं फ्लैम, यानी लौ उठना या लपट बलना। नेक्स्ट इसका V2 है फ्लैम्ड, V3 भी फ्लैम्ड होता है और V4 फ्लैमिंग होता है, V5 फ्लैम्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड दिया गया वो है फ्लैप, यानी झाड़ना या थपथपाना। फ्लैप्ड होता है V2 और V3 भी फ्लैप्ड होता है, V4 इसका फ्लैपिंग होता है और V5 फ्लैप्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लास। फ्लास का होता है दमकना या चौंधना। फ्लास्ड होता है V2, V3 भी फ्लास्ड होता है, V4 होता है फ्लाशिंग और V5 फ्लासेस होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लैटन। फ्लैटन का होता है समतल करना या होना, फ्लैटेंड। V3 भी फ्लैटेंड होता है और V4 फ्लैटेनिंग होता है, V5 होता है फ्लैटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपकी स्क्रीन के सामने है फ्लैटर, खुशामद करना या चापलूसी करना। फ्लैटर्ड, V3 भी फ्लैटर्ड होता है, V4 फ्लैटरिंग होता है और V5 फ्लैटर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लाउंट। फ्लाउंट का होता है इतराना या शरारत करना। V2 होता है फ्लाउंटेड और V3 फ्लाउंटेड और V4 फ्लाउंटिंग और V5 फ्लाउंट्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आगे बढ़कर, और नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्लेवर। फ्लेवर का होता है हिंदी स्वादिष्ट बनाना। V2 होता है फ्लेवर्ड, V3 भी होता है फ्लेवर्ड और V4 होता है फ्लेवरिंग और V5 होता है इसका फ्लेवर्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फ्ले। फ्ले का होता है चमड़ा उतारना। V2 होता है फ्लेट और V3 भी फ्लैट होता है, V4 होता है फ्लाइंग और V5 होता है फ्लेज इसका। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्ली। फ्ली का होता है भागना या भाग जाना। V2 होता है फ्लेड, V3 भी फ्लैट होता है, V4 फ्लीइंग होता है और V5 होता है फ्लीज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया है फ्लिश है, इसका हिंदी होता है निचोड़ना या मुड़ना होता है। V2 होता है फ्लिश्ड, V3 भी सेम होता है फ्लिश्ड होता है, V4 फ्लिशिंग होता है और V5 फ्लिसेस होता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लिक। फ्लिक का होता है झटका देना या झाड़ना। फ्लिक्ड होता है V2, V3 फ्लिक्ड होता है, V4 फ्लिकिंग होता है, V5 फ्लिक्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फ्लिकर्स। फ्लिकर होता है टिमटिमाना या झिलमिलाना। फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड, V4 फ्लिकरिंग और V5 फ्लिकर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है
फ्लिंच, फ्लिंच का होता है मुंह मोड़ना, वी टू होता है फ्लिंच्ड, वी थ्री भी फ्लिंच्ड होता है, वी फोर फ्लिंचिंग होता है, और वी फाइव होता है फ्लिंचेज। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो फ्लिंग है, फ्लिंग का होता है फेंकना या पटकना, फ्लॉन्ग होता है वी टू, वी थ्री फ्लॉन्ग होता है, वी फाइव फ्लिंगिंग होता है, और वी फाइव फ्लिंग्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वो फ्लिप, यानी झटके से पलटना, वी टू होता है फ्लिप्ड, वी थ्री भी होता है फ्लिप्ड, और वी फोर फ्लिपिंग होता है इसका, और वी फाइव फ्लिप्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लट, फ्लट का हिंदी होता है करना, वी टू होता है फ्लटेड, वी थ्री भी फ्लटेड होता है, और वी फोर फ्लचिंग होता है, और वी फाइव फ्लट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लिट, फ्लिट का होता है फुदकना या मडराना, वी टू दिया गया है फ्लिटेड, वी थ्री दिया गया है फ्लिटेड, फोर दिया गया है फ्लिटिंग, और वी फाइव भी दिया गया है फ्लिट्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फ्लॉट, फ्लॉट का होता है तैरना या बहना या उतराना, फ्लॉटेड, वी थ्री भी फ्लॉटेड होता है, और वी फोर होता है फ्लटिंग, और वी फाइव फ्लॉट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फ्लॉग, फ्लॉग का होता है कोरे लगाना या बेचना होता है, वी टू होता है फ्लॉग्ड, और वी थ्री भी होता है फ्लॉग्ड, और वी फाइव होता है फ्लॉगिंग, और वी फाइव होता है फ्लॉग्स होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फ्लूड, फ्लूड का होता है बाढ़ आना या भर जाना होता है, वी टू होता है फ्लूडेड, वी थ्री भी फ्लूडेड होता है, और वी फोर होता है फ्लूडिंग, और वी फाइव होता है फ्लूड्स। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है फ्लोर, फ्लोर का होता है फर्श जमाना या पट्टिये जमाना, फ्लोर्ड होता है, फ्लोर्ड होता है, और फ्लोरिंग होता है, और वी फाइव होता है फ्लोर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके स्क्रीन के सामने है फ्लॉप, फ्लॉप होता है पूरी तरह से विफल हो जाना लोगों के बीच में, यानी फ्लॉप्ड, वी थ्री भी फ्लॉप्ड होता है, वी फोर फ्लॉपिंग होता है, और वी फाइव फ्लॉप्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया आपके स्क्रीन के सामने है फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का होता है घबराहट से लड़खड़ाना, फ्लाउंडर्ड, वी थ्री भी फ्लाउंडर्ड होता है, वी फोर फ्लाउंडरिंग होता है, वी फाइव फ्लाउंडर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया आपके स्किन के सामने है फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का होता है उन्नति करना या फलना फूलना, फ्लॉरिस्ट होता है, वी थ्री भी फ्लॉरिस्ट होता है, वी फोर फ्लॉरिशिंग होता है, और वी फाइव फ्लॉरिशेस होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया आपके स्किन के सामने फ्लाउट, फ्लाउट का आज्ञा न मानना यानी अवज्ञा करना, फ्लाउटेड, वी थ्री भी फ्लाउटेड होता है, वी फोर फ्लाउटिंग होता है, और वी फोर फ्लाउट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है आपके स्क्रीन के सामने फ्लो, फ्लो का होता है बहना या बहाना, फ्लोड होता है, वी थ्री भी फ्लोड होता है, वी फोर फ्लोइंग होता है, और वी फाइव फ्लोज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है आपके स्क्रीन के सामने है फ्लैक्चुएट, यानी उतार चढ़ाव होना, फ्लैक्चुएटेड, फ्लैक्चुएटेड, वी फोर होता है इसका फ्लैक्चुएटिंग, और वी फाइव होता है फ्लैक्चुएट्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो आपके स्किन के सामने दिया गया वो है फ्लंग, फ्लंग का होता है अनुउत्तीर्ण होना यानी असफल होना, फ्लंग्ड होता है, वी थ्री भी फ्लंग्ड होता है, और वी फोर इसका फ्लंकिंग होता है, और वी फाइव फ्लंग्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फ्लस होता है झपटना या लज्जित हो जाना, फ्लस्ड होता है, फ्लश्ड होता है, वी फोर फ्लशिंग होता है, और वी फाइव फ्लशेज इसका होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो फ्लस्टर होता है घबरा देना या घबराना, फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, और वी फोर इसका होता है फ्लस्टरिंग, और वी फाइव फ्लस्टर्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया आपके स्किन के सामने है फ्लटर, फ्लटर यानी फड़फड़ाना या मडराना, फ्लटर्ड, वी थ्री भी फ्लटर्ड होता है इसका, वी फोर होता है फ्लटरिंग, और वी फाइव फ्लटर्स इसका होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फ्लाई, फ्लाई का होता है उड़ना या उड़ाना या भाग जाना, फ्लाई फ्लू होता है वी टू, और वी थ्री फ्लॉन होता है, और वी फोर होता है फ्लाइंग, और वी फाइव फ्लाइज होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो फोकस यानी ध्यान लगाना या केंद्रित होना, वी टू होता है फोकस्ड, वी थ्री भी फोकस्ड होता है, वी फोर फोकसिंग होता है, और वी फाइव फोकसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फॉग, फॉग यानी कोहरे से ढकना या अंधेरा करना,
फॉग्ड होता है, वी टू वी थ्री भी फॉग्ड होता है, और वी फोर फॉगिंग होता है, और वी फाइव फॉग्स होता है। इसका नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वो फॉयल। फॉयल यानी परास्त करना होता है या विफल करना होता है, फॉयल्ड। वी थ्री भी फॉयल्ड होता है, वी फोर फॉयलिंग होता है इसका, वी फाइव फॉयल्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके स्किन के सामने है, फोल्ड। फोल्ड का होता है लपेटना या तह मरना या मोड़ना। इसका वी टू होता है फोल्डेड, वी थ्री भी फोल्डेड होता है, और वी फोर फोल्डिंग होता है, और वी फाइव इसका होता है फोल्ड्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है, फॉलो। फॉलो का होता है समझना या पीछा करना भी होता है, फॉलोड। वी थ्री भी फॉलोड होता है, वी फोर फॉलोइंग होता है, और वी फाइव इसका होता है वो होता है फॉलोज होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फॉन्डल। फॉन्डल का होता है प्यार से छूना या दुलारना, फॉन्डल्ड होता है। वी टू वी थ्री भी फॉन्डल्ड होता है, और वी फोर फॉन्डलिंग होता है, और वी फाइव इसका फॉन्डल्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके स्किन के सामने है, फूल। फूल यानी मूर्ख बनाना या धोखा देना होता है। इसका वी टू होता है फूल्ड, और वी थ्री भी फूल्ड होता है, और वी फोर फूलिंग होता है, और वी फाइव फूल्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो आपके सामने है, फूजल। फूजल होता है बिगाड़ना या खराब करना। नेक्स्ट वी टू होता है इसका फूजल्ड, वी थ्री फूजल्ड, और वी फोर फूजलिंग, और वी फाइव फूजल्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो है फोर वियर। फोर वियर यानी सहन करना या धीरज रखना, फोर बोर या फोर बोर्न, या वी फोर होता है फोर बियरिंग, और वी फाइव फोर बियर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फोर बीट, मना करना या रोकना या वर्जित करना। वी टू होता है फोर बेट, वी थ्री होता है फोर बीडेन, और वी फाइव फोर बाइडिंग होता है, और वी फाइव फोर बीट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो फोर्स। फोर्स यानी बल का प्रयोग करना या शक्ति लगाना होता है, फोर्स्ड होता है। वी टू और वी थ्री भी सेम होता है, फोर्स्ड होता है। वी फोर फोर्सिंग होता है, वी फाइव फोर्सेज होता है इसका। और नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग देखते हैं वो है फोर बोर्ड। फोर बोर्ड होता है भविष्य बतलाना। वी टू होता है इसका फोर बोर्डेड, और वी थ्री भी फोर बोर्डेड होता है, और वी फोर होता है फोर बोर्डिंग, और वी फाइव फोर बोर्ड्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया फोरकास्ट यानी भविष्य बतलाना या भविष्यवाणी करना। वी टू दिया गया फोरकास्ट, वी थ्री भी फोरकास्ट होता है, और वी फोर फोरकास्टिंग, और वी फाइव फोरकास्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो होता है फोरगो यानी त्याग देना या आगे आगे चलना। वी टू होता है फोरवेंट, और वी थ्री फोरगॉन, और वी फोर फोरगोइंग, और फोरगोज। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया फोरटेल, भविष्यवाणी करना होता है इसका। फोर टोल्ड और वी थ्री फोर टोल्ड, वी फोर फोर टेलिंग, और वी फाइव फोर टेल्स होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फॉरगेट यानी भूल जाना या याद न रखना। फॉर गॉट होता है, फॉर गॉटन होता है, फॉर गेटिंग होता है, और वी फाइव फोर गेट्स होता है इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं।